हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, शराब बहुत ही खराब चीज है। जी हाँ, जब लत लगती है तो अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो जाते हैं। आपने अपनी लाइफ में कई ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो कि नशे की हालत में कुछ भी कर जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आजकल लड़कियां भी नशा करने में कम नहीं है। जी हाँ, शराब पीकर बीच रोड पर मारपीट करना, किसी को तंग करना, कैब ड्राइवर को डराना धमकाना और फ्री में खाना खाने का जुगाड़ ढूंढना, यही आजकल की लड़कियां कर रही हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो हम आपको आज इन लड़कियों के ऐसे ऐसे वीडियो दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। दोस्तों, जो सबसे पहली तस्वीर है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में लड़कियां अब जरूरत से ज्यादा लड़कों को हैरेस्ट कर रही हैं। ये देखिए, मेक्सिको देश का ये वीडियो है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कैसे ये लड़की इस कैब वाले ड्राइवर के साथ बिहेव कर रही है। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं कि ये नशे में धुत है। इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरह से इसने बिहेव किया है वो ठीक नहीं है। जी हाँ, आप देखिए कैसे यहाँ पर इस लड़की ने ड्राइवर के कॉलर को पकड़ रखा है। अंत में ड्राइवर इतना डर गया कि वो अपनी गाड़ी को छोड़कर भाग गया है। आप इस लड़की को देखकर ही समझ सकते हैं कि ये जानबूझकर इस तरह का बिहेव कर रही है। जी हाँ, ये जानबूझकर इस ड्राइवर को परेशान कर रही है ताकि ये इससे पैसे ना मांगे। लेकिन ड्राइवर भी जानता था कि लड़की क्यों ड्रामा कर रही है। इसने फटाक से पुलिस को कॉल कर दिया, लेकिन इस लड़की को कोई डर नहीं है क्योंकि ये होश में है ही नहीं। ये तो अपनी ही दुनिया में मस्त है, ये तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। क्या ही कहा जाएगा इसको। लगता है कि ये वाकई में दारू पीने के बाद अपने आप को काबू में नहीं रख पा रही है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। अब आप इस वीडियो को ही देख लीजिए। जी हाँ, ये है भारत के सोलन की। आप देखिए कैसे यहाँ पर ये महिला जो कि बहुत ज्यादा मोटी है वो दारू पी रही है। जी हाँ, इसे किसी का कोई डर नहीं है। जब सिविल ड्रेस में महिला पुलिस ने इसे अच्छे से समझाया कि ये जगह रात को रुकने का नहीं है, आप यहाँ से चलिए, तो भी ये नहीं मानी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इन्होंने 2 घंटे तक का इंतजार किया कि लड़की होश में आ जाएगी। लेकिन ये कहाँ होश में आने के लायक बची हुई थी, इसने तो हद ही कर दी। जी हाँ, आप देखिए कैसे इसे यहाँ से जाने को बार बार पुलिस वाले कह रहे हैं, लेकिन ये महिला नशे में इतनी धुत है कि ये उल्टा पुलिस को ही डांट रही है। ये पुलिस को ही कह रही है कि डोंट टच मी। क्या जमाना आ गया है, कैसे लोग हो गए हैं। इस महिला ने अपनी सारी हदें पार कर दी। आप देखिए कैसे यहाँ पर इन्होंने मस्ती करते हुए दारू पीना चालू रखा है। जब इनका वीडियो बनाया गया तो इन्हें परेशानी हो रही है। इन्हें लग रहा है कि पुलिस वाले इनका वीडियो क्यों बना रहे हैं। वाकई में ये महिला किसी नौटंकी से कम नहीं है। अब यहाँ की भी तस्वीर आप देख लीजिए। जी हाँ, यहाँ तो अति हो गई। आप देखिए कैसे यहाँ पर ये महिला जो कि कार का एक्सीडेंट करके आई है वो पुलिस वालों को ही गाली दे रही है। जी हाँ, ये भी अजीब बिहेवियर है। क्या आपने कभी सोचा था कि कोई महिला इस तरह से बिहेव कर सकती है। क्या आपने कभी सोचा था कि कोई महिला इस तरह से अपनी भाषा को नीचे कर सकती है। ये पुलिस वालों को गाली दे रही है या उनके सामने अपने कपड़े उतारने की बात कर रही है। कहने का मतलब है कि इन्हें पुलिस वाले आए थे गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन इनके साथ क्या क्या होता है आपने भी देख ही लिया होगा। वाकई में इस तरह की चीज किसी भी महिला को शोभा नहीं देती है। किसी भी महिला को आज तक आपने भी इस रूप में नहीं देखा होगा। पुलिस वालों को गाली देकर अपने घर से भगा दिया इन्होंने। अब क्या ही कहा जाएगा इनके बारे में। वाकई में ये हमारा समाज नहीं है। दोस्तों, अब आप इस वीडियो को भी देखिए और सोचिए कि आजकल के जनरेशन के बच्चों को क्या हो गया है। जी हाँ, ये क्यों इस तरह से बिहेव करने लगे हैं। यहाँ भी एक लड़की जो कि रोड पर दारू पीते हुए पकड़ी गई है, वो नाटक कर रही है पुलिस स्टेशन में। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस वीडियो में 2 लड़कियां हैं और दोनों ही नशे में चूर हैं। साथ ही आप देखिए कैसे यहाँ पर एक लड़का भी है जो कि इस लड़की को चुप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कहाँ मानने वाली हैं। जी हाँ, ये तो चिल्लाई जा रही है, ये तो हल्ला किए जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो पुलिस वालों को छुट्टी करने के लिए आई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इन दोनों ही लड़कियों को दारू पीने के लिए पुलिस ने पकड़ा है, वो भी पब्लिक प्लेस पर। लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि मानो पुलिस का काम ये नशे में धुत लड़कियां ही कर रही हैं। जी हाँ, ये देखिए कि कैसे पुलिस को ये डांट रही है। क्या आपने कभी इस तरह किसी भी महिला को देखा था क्या। क्या आपने कभी भी इस तरह से किसी जवान लड़की को बिहेव करते देखा था क्या। वाकई में ये हमारे लिए और हमारे समाज के लिए शर्म की बात है। यहाँ पर लड़कियों ने अपने पिता की उम्र के पुलिस वाले को गाली तक दे दी है। वापी कहिए कि क्या ही कहा जाएगा। इस तरह से क्या कोई किसी के साथ बिहेव करता है क्या। नहीं ना, लेकिन लगता है कि इन्होंने सारी हदें आज पारी कर दी हैं। बड़े बाप की जो बेटियां हैं। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं मुंबई की एक तस्वीर। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक महिला जो कि कम से कम 45 साल की है, वो नशे में इतनी चूर थी कि अपनी गाड़ी का शीशा भी नहीं खोल पा रही थी। हालांकि बाद में पता चला कि ये महिला जानबूझकर गाड़ी का शीशा नहीं खोल रही थी, क्योंकि कई सारे चैनल के कैमरामैन भी इनकी तस्वीर लेना चाहते थे। लेकिन 2 घंटे के बाद जब गाड़ी के शीशे को तोड़ा गया, तब जाकर उस महिला को महिला पुलिस की मदद से गाड़ी से उतारा गया।
लेकिन दोस्तों आप इनका रुआब देखिए। जी हाँ, आप देखिए कि ये किस तरह से बिहेव कर रही हैं। अब आपको बता दूं कि इन्होंने तो हद ही कर दी। पुलिस वालों को तो छोड़ ही दीजिए, इन्होंने तो मीडिया के लोगों को भी गाली देना शुरू कर दिया। इनफैक्ट एक कैमरा पर्सन को तो इन्होंने भगा भगा कर मारा है। अब आप ही बताइए कि नशा ये करें, भारत सरकार द्वारा बनाए गए सारे नियम ये तोड़ें, और उसके बाद जब समाज के रखवाले यानी कि पुलिस वाले आते हैं तो उनके साथ ये मिसबिहेव यही करें, ये कहां का इंसाफ है? क्या इसी तरह से हमारा देश आगे बढ़ेगा? हालांकि बाद में महिला से 3,200 रुपए का चालान लेकर इन्हें छोड़ दिया गया। दोस्तों अब जो आप देखने वाले हैं उसे देखने के बाद आपको बहुत हंसी भी आएगी, लेकिन साथ ही साथ दुख भी होगा। जी हां, आप देखिए कि एक पढ़ी लिखी महिला किस तरह से यहां पर बिहेव कर रही है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश का है। आप देखिए कैसे यहां पर ये महिला हल्ला कर रही है। ये पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। इसके सामने महिला पुलिस भी आई, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रही है। बाबा रे बाबा, ये तो इंग्लिश भी बोल रही है, साथ ही साथ महिला पुलिस के अधिकारियों को डरा भी रही है। क्या बात है, इनफैक्ट ये चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मैं तो दारू पीऊंगी, मैं नशा करूंगी, कोई मुझे नहीं रोकेगा। भाई बात सही है, आपको जितना पीना है आप पियो, लेकिन अपने घर पर। जी हाँ, साफ साफ कहा गया है कि जो भी पब्लिक प्लेस पर इस तरह की हरकत करेगा वो पुलिस के हवाले किया जाएगा। लेकिन इस तरह के वीडियो को देखने के बाद लगता है कि मानो किसी के अंदर पुलिस का कोई डर है ही नहीं। जी हाँ, कोई किसी से डरता ही नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आपको यही बता दूं कि यहाँ पर इन्होंने किसी की बात नहीं सुनी है, बल्कि आप देखिए कि बड़े बड़े नेताओं का नाम लेकर ये पुलिस वालों को ही डरा रही हैं। आप देखिए कि कैसे अंत में ये यहाँ से गायब हो गई हैं। लगता है कि वाकई में ये बहुत तेज महिला थी, है कि नहीं? लगता है कि ये इसी तरह से इंग्लिश बोल बोल कर लोगों को बेवकूफ बना रही थी, ये इनका रोज का काम है। लेकिन वाकई में इन्होंने बहुत गलत काम किया है, एक सॉरी ना कहना पड़े उसके लिए इन्होंने पूरी कहानी ही बना ली है। दोस्तों अब आप इस वीडियो को भी देख लीजिए। ये वीडियो देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। कहा जाता है कि पुलिस वाले हमारे समाज के रक्षक हैं, लेकिन तब क्या हो जब कोई महिला इन्हीं को इनके पुलिस स्टेशन के अंदर मारने लग जाए? जी हां, आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, तो आप भी देख लीजिए। यहां पर इस लड़की को जब नशा करने के आरोप में पकड़ा गया तो इन्होंने पुलिस वालों को ही मारना शुरू कर दिया। ये देखिए कैसे ये पुलिस वालों को पीट रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये सही तरीका है? वाकई में समाज का मुंह काला कर दिया इस लड़की ने, और इसके साथ आए इस लड़के ने भी। ये देखिए कैसे इस लड़की ने पुलिस वाले का कॉलर पकड़ा हुआ है। वाकई में इस तरह से चिल्लम चिल्ला आज तक आपने नहीं देखा होगा किसी पुलिस स्टेशन में, जो कि इस समय यहाँ पर हो रहा है। क्या ही कहा जाए, ये तो वाकई में बहुत ही गलत बात है, घटिया हरकत है। कहते हैं कि देश बदल रहा है, लेकिन ये भी तो बदलते देश की सच्चाई है, इससे कैसे मुंह फेर सकते हैं, है कि नहीं दोस्तों? दोस्तों अब जो आप देखने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि ये क्या है। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक लड़की जो कि हैदराबाद शहर में ड्रग्स के मामले में पकड़ी गई थी, उसने पुलिस स्टेशन से भागने की कोशिश की? जी हाँ, न सिर्फ भागने की कोशिश की, बल्कि आप देखिए कैसे इसने महिला पुलिस को मारा भी है। जी हाँ, ये तो बहुत ही दुखी बात है, इस तरह से कोई क्या बिहेव करता है? आप देखिए कैसे यहाँ पर ये महिला पुलिस को मार रही है। कहा जाता है कि इस तरह की महिलाएं बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। इसने एक तो गैर कानूनी काम किया है, और ऊपर से इसने पुलिस वालों को पीटा भी है। वाकई में ये बहुत शर्म की बात है। हालांकि बाद में इस महिला को जेल भेज दिया गया, यही इनका सॉल्यूशन था। पुलिस भी क्या ही करती, है कि नहीं? जिस तरह से इसने पुलिस को मारा था वो दर्दनाक था, इस तरह से काम नहीं चलता है। कोई भी इंसान पुलिस पर हाथ नहीं उठा सकता है, लेकिन इसने तो महिला पुलिस को ही अपना निशाना बना लिया। दोस्तों अब हम आपको अंत में दिखाते हैं एक और ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां, क्या आपने कभी सोचा था कि कोई महिला इतनी बड़ी नौटंकी बाज हो सकती है? जी हां, आप देखिए कि कैसे इस महिला ने पुलिस को परेशान कर दिया है। दोस्तों ये वीडियो भी मुंबई के आउटर एरिया का है। आप देखिए कैसे यहां पर खुलेआम ये महिला लगातार पुलिस वाले के साथ बदतमीजी कर रही है। जी हाँ, ये बार बार धमकी भी दे रही है, कह रही है कि इन्होंने दारू पी है लेकिन अपने पैसों से पी है और इन्हें कोई रोक नहीं सकता है। बात सही है, कोई भी पी सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप दारू पीकर गाड़ी चलाने लग जाओगे। जी हाँ, वो भी हाईवे पर। अपनी लाइफ तो आप खतरे में डाल ही रहे हो, साथ ही साथ आप दूसरों को भी परेशान कर रहे हो। ये देखिए कैसे यहाँ पर ये महिला पुलिस वालों के साथ गुंडागर्दी कर रही है, ये समाज के खिलाफ है, ऐसे नहीं चलेगा इस देश में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आप ही कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।